फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th सोशल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे एग्ज़ाम में उन्हें भी मदद मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अंग्रेज़ों के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न की। दूसरा, सभी वर्ग के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। चौथा, इस आंदोलन के बाद अंग्रेजी वस्त्रों और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। पंचमा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के साथ समानता के आधार पर बातचीत की। छठा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य परिणाम 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम का पारित होना था। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? उत्तर है, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। यह आंदोलन प्रथम जन आंदोलन बना क्योंकि इसमें सभी वर्ग के लोग हिस्सा ले रहे थे, जैसे सरकारी लोग अपने पदों का त्याग कर रहे थे, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया जा रहा था, सरकारी न्यायालय, विदेशी वस्तु आदि का बहिष्कार किया जा रहा था। जनता ने अपने अनुसार इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, जिसके कारण यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले लिया। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया? यहाँ पे ये नहीं है। उत्तर है, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने आंदोलन में भाग लेने वाले निहत्थे लोगों पर गोली चला दी, जिसके कारण आंदोलन में भाग लेने वाले जनता ने पुलिस पर हमला बोल दिया और थाना में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना से गांधी जी दुखी हो गए और उन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद करने का फैसला लिया। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने गांधी जी के इस फैसला को स्वीकार कर लिया। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। दिसंबर 1884 में पुणे में प्लेग फैलने के कारण यह बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ। इस बैठक में संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अगला सवाल है, किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। उत्तर है, किसान आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया गया आंदोलन था, क्योंकि किसानों को अपने ज़मीन के 3/20 हिस्से पर
नील की खेती करनी होती थी और उस उपज को किसान से कम कीमत पर ले लिया जाता था। व्यापार के घाटे को किसानों से वसूला जाता था। लगान बढ़ा दिया गया था। किसानों की इस स्थिति के बारे में राजकुमार शुक्ल ने 1916 में महात्मा गांधी को बताया। महात्मा गांधी ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसके अलावा 1922 से 1923 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर ने किसान सभा की स्थापना की। 4 मार्च 1928 को बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में स्वामी सहजानंद ने किसान सभा की स्थापना की। इस तरह से बिहार के अनेक प्रांतों में, यहाँ पे प्रांतों होगा, अनेक प्रांतों में किसानों के संगठन बनाने की कोशिश की गई। इस तरीके से मैंने आपको क्लास 10th सोशल साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दी हूँ। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।